असलम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं ठीक है सब हाँ जी क्लास आज हम पास्ट कंटीन्यूस टेंस पैसिव वॉइस अफर्मेटिव अनसोल्ड एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग सेंटेंसेस रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे ठीक है बुक पेज नंबर ट्रिपल वन ही बनता है लास्ट uh, लेक्चर में जो हमने लास्ट सेंटेंस किया वो था नसीमा सेक्रेटरी के अहदे के लिए चुनी जा रही थी अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे हाँ जी वोटरों की फहरिस्त तैयार की जा रही थी वोटर्स लिस्ट वॉज बींग प्रिपेयर्ड क्या है वोटर्स लिस्ट वॉज बींग प्रिपेयर्ड जहाज़ को समुंदर में उतारा जा रहा था द शिप वॉज बींग लाउच्ड इन दी द शिप वॉज बींग लाउच्ड in the सी हर मोटर कार को वहां रोका जा रहा था एवरी कार वॉज बींग स्टॉप्ड देयर दोबारा देखें एवरी कार वज स्टॉप्ड देयर हाँ जी क्लास इसमें मैं बींग लगाना भूल गई देखें जी एवरी कार वॉज बींग स्टॉप्ड देयर ठीक है एवरी कार वॉज बीग स्टॉप्ड देयर घोड़े पर जैन कसी जा रही थी द हॉर्स वॉज बींग सेडल्ड द होर्स वॉज बींग सेडल्ड आदमियों को डूबने से बचाया जा रहा था द मैन वर बींग सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग द मैन वर बींग सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग बे टिकट मुसाफरों को जुर्माना किया जा रहा था द टिकेट लेस पैसेंजर्स वर बींगाइंड क्या है द टिकेट पैसेंजर्स वर बीग फाइंड द टिकट पैसेंजर्स वर बींगाइंड किले की हिफाजत की जा रही थी द फोर्ट वॉज बेंग गार क्या है जी द फोर्ट वॉज बींग गार फोर्ट वॉज बींग गारगह तस्वीरों की नुमाइश की जा रही थी द पिक्चर्स वर बींग एग्जीबिटेड एट दैट प्लेस अगर उस जगह होगा तो दैट आएगा इस जगह होगा तो दिस प्लेस आएगा मैंने दैट लगाया हुआ है उस जगह तस्वीरों की नुमाइश की जा रही थी दिक्चर्स वर बी एग्जिबिटिट दैट प्लेस द पिक्चर्स वर बीग एग्जिबिट एट दैट प्लेस हॉल कमरे में जलसा मुनद किया जा रहा था द मीटिंग वॉज बंग हेल्ड इन हॉल द मीटिंग वॉज बींगल्ड इन हॉल ठीक है द मीटिंग वॉज बीग हेल्ड इन हॉल गरीब तलब इलम से इजहार हमदर्दी किया जा रहा था दुअर स्टूडेंट वॉज बींग दुअर स्टूडेंट वॉज बींगज्ड The poor student was being sympathized. वहाँ मज़दूरों की देखभाल अच्छी तरह की जा रही थी द disabled वर बींग looked after वेल देयर द disabled वर बींग looked after वेल well देयर द डिसबल्ड वर बींग लुक्ड आफ्टर वेल देयर इसको नोट डाउन कर लें ये हमारी अनसोल्ड एक्सरसाइज अफरमेटिव सेंटेंस पैसे में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कंप्लीट हो गई ठीक है होप्सो आप आपको समझ आ गई होगी इसको अच्छा सा याद कीजिएगा नोट डाउन कर लें जब भी सेंटेंसेस लिखने के लिए बैठे उर्दू स्केच आपने पहले से बनाया हो ताकि आपको इंग्लिश नोट डाउन करने में इजी रहे ठीक है और अकेला इंग्लिश या अकेला उर्दू सेंटेंस मत लिखिएगा ऐसे आपको समझ नहीं आएगा और आपको एक्सरसाइज ऊपर से ही गुजर जाएगी कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा ओके क्लास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ दुआओं में याद रखिएगा आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला आपका हामी ही हो थैंक यू सो मच